आज हम आपको बुलंदशहर जिले के एकमात्र पार्क में लेकर आए हैं। बुलंदशहर का पहला पार्क है ये। आसपास के जितने कस्बे भर के लोग हैं सब यहाँ पर आने के लिए उतावले हैं। आप देखें, सबसे पहले तो इसकी खूबसूरती को आप देखें और निहारें कि बहुत ही खूबसूरती, यानी कि नोएडा और दिल्ली की तर्ज पर ये वाटर पार्क बनाया जा रहा है। अशरफ भाई हमारे साथ में हैं। अशरफ भाई, थोड़ा सा बताइए इसकी विशेषताएँ क्या क्या हैं। ये फ़िलहाल जो हमने बनाया, पहली बात तो ये है कि बुलंदशहर के अंदर, पूरे बुलंदशहर ज़िले में गाज़ियाबाद से लेकर आगरा तक अभी तक ऐसा कोई वाटर पार्क नहीं है। ये पहली दफ़ा बुलंदशहर ज़िले के अंदर बन रहा है और ये अपने एंजॉय के लिए, बच्चे हैं जैसे अपने घर के अंदर रहते हैं, छुट्टियां हैं। थोड़ा सा दिखा दीजिए, थोड़ा जैसे ये है, अभी क्या है, थोड़ा सा ये अपनी स्लाइड है। हाँ। इस पर ऊपर जाने के बाद में बच्चे नीचे आएंगे। हाँ। ये ऊपर जाएंगे, ऊपर से वो स्लाइड आ रही है बड़ी वाली, ये अपना पूरा ऊपर से घूम रहा है। भाई थोड़ा ये और बता देंगे हाथों हाथ बच्चों के लिए, जो सेफ्टी के लिए क्या क्या इंतजाम? यहाँ बच्चों के लिए परमानेंट दो लाइफ गाइड रहेंगे और सारी सेफ्टी बच्चों के लिए, इसमें बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा अच्छा, थोड़ा इसे इधर घुमाने की कोशिश करें, ये बताएं थोड़ा सा ये क्या है। नीचे आ जाएं, ये क्या बना दिया गया है यहाँ पर इस तरीके से? ये हमारे रेन डांस बोलते हैं, ये बच्चों के लिए बनाया गया। अच्छा, इसके अंदर ये सब फुहारे निकलेंगे, सब पानी चलेगा। ये ऊपर हमारा वाटरफॉल है, ये ऊपर से पानी आएगा नीचे, ये सब पानी गिरेगा नीचे आकर। ये सब एंट्री है इसके अंदर। ये इधर साइड में ये हमने एक नहर बनाई, नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा, मैं कहूँगा सहयोगी से। ये हमने एक नहर बनाई है, इसमें बोट चलेगी, इसके अंदर बैठ करके इसमें चलेंगे। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से ये नहर बना दी गई है और पूरी घूम करके ऐसा करके घूम करके आ रही है। कितनी इसकी लंबाई होगी लगभग नहर की, यानी कि कितना मीटर ये होगी इसकी नहर की पूरी की? हाँ हाँ। पूरी नहर की लंबाई लगभग मेरे ख्याल से होनी चाहिए 100 मीटर से ऊपर होगी मेरा ख्याल। 100 मीटर से ज़्यादा आपको नाव में बैठकर इस नहर में घूमने के लिए मिलेगा और उसका तो कोई अलग से चार्ज होगा नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, जो टिकट होगा वही, जो अंदर एंट्री होगी उसके बाद में कोई अंदर चार्ज। चलिए टिकट के बारे में भी अभी बताएंगे, क्योंकि शायद अभी टिकट का कोई रेट अभी नहीं रखा गया, या रख दिया गया? अभी नहीं रखा गया अभी। हाँ, अभी रखा नहीं गया है। और अभी थोड़ी देर में ये भी बताएंगे कि कब इसकी ओपनिंग होने वाली है। सबसे पहले तो इसको निहारने की आप कोशिश करेंगे कि देखें किस तरीके से यहाँ बहुत ही अच्छा खूबसूरत देखने के लिए आपको मिलेगा। बच्चों के लिए छुट्टी का आनंद उठाने के लिए बहुत ही अच्छा वाटर पार्क बनने जा रहा है। बुलंदशहर ज़िले का एकमात्र पार्क है ये। और सबसे पहले इधर भी थोड़ा सा दिखाएँ, इधर भी दिखाने की कोशिश करें। काफ़ी बड़ी तर्ज पर यहाँ पर अभी भी काम चल रहा है और ये फुलवाड़ी वगैरह यहाँ पे लगा दी गई है। नहर हम आपको दिखाई चुके हैं, ये थोड़ा सा इधर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो अशरफ भाई ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? हम समझ स्लाइडिंग है। हाँ। ये घूम बूम रेंज बोलते हैं उसको। अच्छा। ये ऊपर से आकर के पूरा फिर ट्यूब में बैठ कर ऐसे जाएंगे, फिर स्लाइड आएगी। अच्छा, ये इसमें अंदर अंदर पानी में घूमते रहेंगे? जी, इसमें पानी में नीचे स्लाइड में आकर के इधर नीचे आएंगे, पुल पुल में आएंगे इधर। अच्छा अच्छा, और सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं हम, वो क्या है? वो बड़ी वाली आने के लिए, वो ऊपर ऊपर से जो टावर है, टावर बनाया गया है। हाँ। स्लाइड में बैठ करके नीचे उधर स्लाइड टावर बोलते हैं इसको। अच्छा, एक टिकट में कितनी देर तक यहाँ पर बंदा रुक सकता है अंदर? वो हमारी एंट्री होती है सुबह 10 बजे से। हाँ। और 5 बजे तक, यानी कि सुबह को टिकट लिया और शाम तक, जैसे कि और पार्कों में है, वाटर पार्क जैसे कि दिल्ली और नोएडा के अंदर वही सिस्टम? जी जी जी, वही सिस्टम। और थोड़ी सी विशेषता बताएं जो कॉस्ट्यूम वगैरह है? वो कॉस्ट्यूम रूम हमारा उधर तैयार हो रहा है। हाँ। वो लगभग कल तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। महिलाओं के लिए अलग होगा, पुरुषों के लिए अलग? महिलाओं के नहीं अलग, पुरुषों के नहीं अलग। और वो हमारा रेस्टोरेंट तैयार हो रहा है सामने उधर, यानी कि यहाँ पर रेस्टोरेंट भी मिलेगा आपको, यानी कि खाने के लिए पूरी सुविधा उपलब्ध होगी। और ये बुलंदशहर से, यानी कि लगभग जो जेल है, बुलंदशहर जेल है, जस्ट उसी के करीब आधा किलोमीटर है, बुलंदशहर सिटी से 8 किलोमीटर, बुलंदशहर सिटी से 8 किलोमीटर पड़ेगा और जेल के पास में है, चंदेरू के, चंदेरू है ना जी। और अगर बात करते हैं सिकंदराबाद की तरफ से आने की, तो सिकंदराबाद से कितना किलोमीटर पड़ेगा? लगभग इतना ही पड़ेगा, 8 किलोमीटर सिकंदराबाद से, यानी कि नोएडा से अगर आदमी आता है, नोएडा गाज़ियाबाद से भी अगर आने की वो करता है, तो कितना पड़ता है? 60 किलोमीटर पड़ता है गाज़ियाबाद से, 60 किलोमीटर गाज़ियाबाद से, नहीं सॉरी गाज़ियाबाद नहीं, गाज़ियाबाद से 40 किलोमीटर पड़ता है। हाँ। और नोएडा से 40 किलोमीटर पड़ता है, ये हमारा बीच का एरिया हो जाएगा ना पूरा टोटल। थोड़ा दिखाएं ये नज़ारा देखने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा, और पीछे की तरफ चलते आइए। हम इस वक्त चेंजिंग रूम में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं कहूँगा सहयोगी से कि दिखाने की कोशिश करेंगे कितनी साफ़ सफाई से चेंजिंग रूम यहाँ बना दिए गए हैं। फिलहाल काम चल रहा है,
और बताया जा रहा है कि ये महिलाओं का चेंजिंग रूम होगा। सर ये किन के लिए बनाया गया, महिला या पुरुष? ये लेडीज़ है और इसके बराबर में जेंट्स हैं। अच्छा, तो यहाँ कॉस्ट्यूम जो है वो कहाँ से मिलेंगे? वो कॉस्ट्यूम ये बाहर बना रहा है, हाँ, जा रहा है। फिलहाल कॉस्ट्यूम वगैरह भी यहाँ आ चुके हैं, आप देख सकते हैं बड़ी ज़ोर शोर से तैयारियाँ चल रही हैं। चलिए आइए और हम आपको दिखाते हैं यहाँ के बारे में। और बताइए आसिफ भाई, आरिफ भाई, थोड़ा सा आसिफ भाई थोड़ा। ये हमारा रैन डांस है, ये रैन डांस है, यहाँ पर हमारा साउंड सिस्टम भी लगेगा इसके अंदर, और ये सब फुहारे वगैरह लगाए हुए हैं इसके अंदर, आराम से बेहतरीन एकदम एंजॉय होगा इसमें। यानी कि यहाँ पर जो है रैन डांस, जी ये रैन डांस बोलते हैं इसको। और वो थोड़ा सा करीब करीब दिखाने, ये हमारी वेव पुल आ गया, इधर आइए, ये हमारा वेव पुल है, इसके अंदर समुद्री आर्टिफिशियल लहर बनाई गई है। अच्छा, जब ये चालू हो जाएगा इसके अंदर लहर आएंगी समुद्र टाइप की। यानी वो देखा होगा कि एकदम से बहा के बहुत, हाँ बहा करके, बिल्कुल 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 वही। बहुत बढ़िया। तो यहाँ सेफ्टी के लिए कितने क्या क्या इंतजाम किए जाएंगे, कितने गार्ड्स मौजूद रहेंगे? इसमें लाइफ गार्ड होते हैं लगभग 20 हमारे यहाँ पर, वो रहेंगे परमानेंट, हर कोई यहाँ पर। जैसे पहली बात तो ये इतना गहरा नहीं है कि कोई डूबने की वो हो, लेकिन ये है कि फिर भी हमने सेफ्टी के लिए ट्यूब वगैरह हैं और हमारे लाइफ गार्ड होते हैं, वो परमानेंट यहाँ पर मौजूद रहेंगे। थोड़ा सा और जानकारी हम ये लेनी चाहेंगे। देखो ये जो है ना वही होता है, हमने देखा होगा अक्सर कि जो लहरें आती हैं और एक साथ बहुत सारे लोगों को बहा के लेके चली जाती हैं, वो इस तरीके के यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। एक साथ 100-150 आदमी भी इसमें आराम से, 200 आदमी तक आ सकते हैं, काफ़ी बड़े तादाद में जो है ये बना हुआ है। और थोड़ा सा चलिए लास्ट में एक चीज़ और हम आपको इधर लेके चलते हैं, ये देखने की इधर भी थोड़ा सा, इधर अशरफ भाई ये क्या इधर क्या बन रहा है? हमने बॉडी स्लाइड बनाई है, ये ऊपर से आने के बाद में इसका पुल इधर बना हुआ है, इसके साइड में, इसके बराबर में, ये ऊपर से आएंगे और सीधे नीचे आकर के पुल में आ जाएंगे। यानी फुल एंजॉय है पूरा दिन भी अगर इंसान यहाँ पर। पुल भी दिखाओ जी भाऊ जी, आप बताएं क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था ये बराबर में पुल के बराबर में पुल है, उसको भी दिखाया जाए। चलिए थोड़ा मोहित आ जाओ, देख लेते हैं ये पुल भी कैसा बना हुआ है। स्लीपर स्लाइड में आएंगे और हाँ क्या कह रहे हैं? ये स्लीपर स्लाइड है हमारी, ऊपर से, अच्छा ऊपर से ऐसे आएंगे, ऊपर से आएंगे और सीधा थोड़ा ऊपर को जंप लेके इसमें गिर, बीच में गिरते हैं इसमें आके। यहाँ भी हमारा लाइफ गार्ड रहेगा मौजूद, यहाँ भी जो है आपके पूरी सेफ्टी होगी यहाँ। टोटल कितने गार्ड होंगे आपके यहाँ, अब कितने लोग काम कर रहे हैं? फिलहाल तो अभी इस वक्त काम करने वाले लगभग 100 लेबर है यहाँ पर जो काम कर रही है अभी। उस वक्त के लिए कितने लोगों का चयन लगभग किया जाना है? 20 तो हमारे लाइफ गार्ड रहेंगे और बाकी हमारी सिक्योरिटी है, अंदर एंट्री गेट पर है, लगभग 50-60 लोग यहाँ पर रहेंगे परमानेंट, बाउंसर रहेंगे हमारे, सेफ्टी के लिए कोई परेशानी नहीं है। अच्छा थोड़ा सा एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि ये और बता दें थोड़ा सा कि टिकट क्या रखने जा रहे हैं? टिकट का भी डिसाइड हो जाएगा, 4 अप्रैल की हमारी तैयारी है, 4 अप्रैल में जी। और यहाँ पर हमारे दिल्ली वाले जो करीम होटल है, दिल्ली जामा मस्जिद का, वो भी हमारे यहाँ बुलंदशहर में पहली दफ़ा आ रहा है, वो हमारे रेस्टोरेंट में यहाँ मौजूद रहेगा। यानी कि दिल्ली का जो स्वाद है करीम होटल का, वो यहाँ वाटर पार्क में आपको मिलने वाला है। वाटर पार्क में पूरा इंतज़ाम खाने का कर दिया जाएगा। अक्सर जामा मस्जिद पर लोग जाते हैं करीम होटल का खाना खाने के लिए, तो नहाने का तो पूरा यहाँ लुत्फ उठेगा ही, जो वाटर पार्क का मज़ा है उसको आप मज़ा लेंगे ही पूरा, उसके साथ साथ स्वाद भी जो दिल्ली का है वो भी यहाँ पर मिलने वाला है। 4 अप्रैल को ओपनिंग है वाटर पार्क की। सहयोगी मोहित लोधी के साथ सही खान, खबर तहकीकात बुलंदशहर।